गो गेट सम लाइफ, कुछ कुछ करो जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, ट्रोल कर रहे हो मुझे भाई। वैसे ही मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब था अपनी पर्सनल लाइफ लुक को लेके, पिछले 10 महीने से मुझे मेरे बीवी बच्चों से मिलने नहीं दिया गया है और उरन में छुपा के रखा हुआ है उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब था, एक अपॉर्चुनिटी मिली बिग बॉस के ज़रिए से मैं मेरे फैमिली से जुड़ पाऊँ। लेकिन सलमान खान जो बीइंग ह्यूमन का नकाब ओढ़ के बैठे हुए हैं, तो उनका नकाब तो बीइंग ह्यूमन का जो सलमान खान ने नकाब ओढ़ के रखा है झूठा वाला, जब तक वो नकाब उसके चेहरे से उतारूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। उसके जितने केसेस है फिर रीओपन करवाऊंगा इंशाल्लाह पीआईएल डाल के, सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ जाके तेरे को मैं बम्बूड करवाऊंगा। तेरे को पैसे का घमंड है, तेरे को पावर का घमंड है, तेरे को कॉन्टैक्ट का घमंड है, तू भाई लोग के तलवे चाटता है, तेरे को उस बात का घमंड है। तो भाई मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ आप लोग क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, मैंने सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया। आपने इतने साल से शो कर रहे हैं, आपको पता नहीं थे शो में गाली दी जाती है, किस तरह की वाहियात हरकत ये की जा रही है। भाई मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हर धर्म की इज्जत करना सिखाया गया है मेरी माँ ने, और मेरी माँ ने खास कर ये सिखाया कि इज्जतदार औरतों की, लड़कियों की बेहद इज्जत करना। इट इज़ माई चॉइस टू रिस्पेक्ट समवन, इफ आई डोंट लाइक समवन आई विल नॉट रिस्पेक्ट दैट गर्ल। मैं उस लड़की की जो मुझे बोल रहा है औरत से बात करने की तमीज नहीं, चैनल ने आधा दिखाया, एडिट किया, क्यों दिखाया नहीं, बिकॉज पूरी हिंदुस्तान इस शो के पीछे पड़ जाता। उसने एक साध्वी का मजाक उड़ाया, उनके बारे में बुरा भला कहा, उनके खाने में थूका, रोटी में थूका, उन्होंने अर्शी ने एक इतनी वाहियात लड़की है, औरत है, औरत लड़की भी नहीं है, वाहियात औरत है, उसने कुरान की आयतों को गाली में यूज किया। तो आई टुक अ स्टैंड, मैंने कहा कि दोबारा आप करोगे तो मुंह तोड़ दूंगा, 2 रुपीज औरत। तो भैया मैं 2 रुपया भी ज्यादा बोल दिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे लोग को आप बिग बॉस में रखते हो, जो बंदा हक के खिलाफ आवाज उठाता है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसको कुत्ता बनाऊंगा। तो सलमान खान तू कौन, मेरा बाप है, तूने मुझे पालपोस के बड़ा किया है। भाई तुम्हारे वालिद साहब जो है ना बहुत इंडस्ट्री के रेप्यूटेड राइटर रहे हैं, अच्छी अच्छी हिट सुपर हिट फिल्म दी हैं, बहुत सक्सेसफुल राइटर रहे। तो भैया उन्होंने फिल्में लिखी, आप लोगों की तकदीर लिखना क्यों चाह रहे हो। आपने विवेक को बेचारे को घर पर बिठाया, बहुत अच्छा इंसान है सलमान, मैं ओपनली बोलता हूँ ऑन कैमरा, विवेक ने तुझसे ज्यादा चैरिटी की है, लेकिन शो ऑफ नहीं किया उस बंदे ने, वल्लाही। मैं उस इंसान को पर्सनली जानता हूँ और उनसे बातें हो चुकी। भैया तू तो शोबाजी कर रहा है, तू तो बैड बॉय था इंडस्ट्री का 2003 और 2002 के पहले, तूने क्या क्या कांड किए हैं, कौन सी हीरोइन पर थप्पड़ उठाया, तू कौन होता है यार, तू दूध का धूला हो तब मुझे आके बोलना। मैं तो बोलता हूँ कि जुबैर खान इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, दुनिया का सबसे जलील इंसान है, दुनिया का सबसे बेकार इंसान है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं वहाँ नेम फेम मनी के लिए थोड़ी आया था, आई वेंट देयर फॉर माय फैमिली। लोग बीवी बच्चों के लिए करियर छोड़ते हैं कि करियर के लिए बीवी बच्चों को फैमिली को छोड़ते हैं। मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ जो इमोशनल होके दिल से सोचा फैमिली के बारे में कि भैया ठीक है चलो कलर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, देखा जाएगा ऊपर वाले ने, अल्लाह ने क्या तकदीर में लिखा होगा। तो सलमान आप कौन होते हो यार किसी को कुत्ता बनाने वाले, आप किसी को ये बने। मैं तो वहां अंदर गेम खेल रहा था, तुम बाहर किसके बोलने पे गेम खेल रहे थे, पार्कर फैमिली के, दाऊद फैमिली के, कराची से। तो भैया खुल के बोलो ना कि मैं इनका कुत्ता हूं, इनका पट्टा है मेरे गले में। और जो तू धमकियां दिलवा रहा है ना इतनी सारी, कराची से, यहां से, वहां से, कितनी धमकियां आ रही है, कितनी धमकियां आ रही है देख लीजिए, सारी धमकियां आ रही है, तू धमकियां दिला रहा है, पुलिस में रिकॉर्ड है, तेरा काम ही यही है कि केस वापस ले ले। तू नामर्द है, तेरी इसीलिए शादी नहीं हो रही है, सुन ले। और तू जब तक माफी मांगेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
और भाई जब एक आम आदमी की हटेगी तो बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी की फटेगी। आई हैव नथिंग टू लूज ब्रदर, आई हैव नथिंग टू लूज। ये जान अल्लाह ने दी है, उसी के पास जाएगी। मट्टी से बना हूँ, मट्टी में चला जाऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र की मट्टी उठाकर मैं देखना चाहूँगा कि तेरे अकड़, घमंड, पैसा कहाँ गया। ये सब दुनिया में रह जाएगा। तू बहुत इगोइस्टिक सेडिस इंसान है, वल्लाही तू बहुत सेडिस इंसान है। तू अरिजीत सिंह को घर पे उस फिल्म से आउट करवाएगा। तूने कितनी हीरोइंस को फिल्म से आउट किया है, तूने कितनी हीरोइंस पर हाथ उठाया है। तू बदतमीज़ इंसान है, तेरी मीडिया की क्लिप है, तूने मीडिया के साथ में तू और तेरे बॉडीगार्ड क्या हरकत करते हैं, उनको धकेलते हैं, औरत का लिहाज नहीं रखता। तू मुझे औरत की इज्जत सिखाएगा? अबे छिछोरे, तूने इमेज अपनी चेंज की है, तो अंदर से कितना गंदा इंसान है। तूने तो कैमरा पे बोला था जुबैर की रिपोर्ट निकालता, और रुक बेटा तेरी रिपोर्ट। अबे पागल, 2 साल जाएंगे तेरे को जुबैर की रिपोर्ट निकालने? कसम खा के बोलता हूँ, तेरी रिपोर्ट 4 दिन में जुबैर खान ने निकाल दी। 4 दिन में जुबैर ने तेरी पूरी रिपोर्ट निकाल। हर केस ओपन करवाऊंगा, जब तक तू माफ़ी नहीं मांगेगा ना, तो रोएगा, तेरी फैमिली को रुलाऊंगा। कमीने, तेरी वजह से मेरी भतीजी, मेरे भतीजे लोग रो रहे हैं घर में आके कि बच्चे छिड़ा रहे जुबी बेबी। अबे तेरी माँ का कुत्ता मारू सड़े ले, तूने क्या हिसाब से बोला? मेरे बच्चों को छिड़ाया जा रहा है, तेरे को मैं बोलूँ हिजड़ा, नामर्द? हाँ बोलूँ? तू स्टार है तो कुछ भी बोलेगा? हमारी इज्जत इज्जत नहीं? तू करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। हमने कॉमेडी की तो तेरे को पसंद नहीं आई? हमने वहां पे अंदर अपनी दादागिरी दिखाई तो तू बोल रहा आउटडेटेड मोहल्ले की बाजा, आ ये वो। अबे तेरी माँ का कुत्ता मारू, जाके लिंकिंग रोड पे देख, बहराम बाग में देख, अंटाविला, डोंगरिया, यही स्टाइल में लोग बात करते हैं। मैं जहां से हूं वही रहूंगा ना। आई एम ओरिजिनल, आई एम नॉट फेक लाइक यू। तू जितना अच्छा इंसान बनने का दिखावा करता है, उससे कई हजार गुना तू उतना घटिया इंसान है। तू बदतमीज इंसान है, तू सेडिस्ट है। दूसरों को तकलीफ में देख के, दूसरों के पेट पे लात मार के तुझे खुशी महसूस होती है? तो जुबैर खान ने आज आवाज उठाया, मीडिया भी देख रहा है कि कौन है ये आम आदमी। जो लोग, जो लूजर्स मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं ना, आपको जब पूरी कहानी पता नहीं हो, आपने ये देखा कि जुबैर खान ने आके कहा कि दोबारा तूने ऐसी गलती करी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, 2 रुपीज औरत। आपको पता है कि उसने एक साध्वी का, साधु समाज का मजाक उड़ाया, उनके ऊपर गंदे गंदे रिमैक्स, उनको क्या क्या बोल रही है, शिवजी की जटा बांध के घूमती है वो लेडी, घर में सबसे बड़ी है, तो मैं उनको माता जी कहता था। भाई मेरी माँ के बात, मेरी माँ के खाने में कोई थूकेगा बनाते हुए, मैं बेइज्जती नहीं सहन करूँगा। मेरे सामने कोई गलत चीज़ हो, मैं सहन नहीं करूँगा। जाकिर नायक का जैसे आयरब बंद करवाने में पूरी दुनिया के सामने उसकी रियलिटी लाया, सलमान खान, मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ, जब तक तेरी असलियत दुनिया के सामने के तू कितना फेक है और कितना अनह्यूमन है, तू बीइंग ह्यूमन नहीं है। तू अभी तेरे को भी गाली देने दिल हो रहा है।